इस वक्त की बड़ी खबर देख सकते हैं आप, एक दर्दनाक हादसा, कार जबरदस्त टक्कर। जैसे पहले पेड़ से टकराई, पेड़ देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये टूट चुका है पेड़, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ी को लोहे की रोड़ों से काटकर जो युवक थे बीच में फंसे हुए उनको निकाला गया। एक दर्दनाक हादसा था यहाँ पर देखने को मिला था। सामने यहाँ पर देखते हैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी चप्पलें वगैरह सब सामान यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखते हैं गाड़ी इतनी ऊंचाई पर जा टकराई, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ और गाड़ी को शीशे तोड़कर और लोहे की रोड़ों से जो गाड़ी के लोहे की जो चादरें होती है उसको पार कर युवकों को बाहर निकाला गया। तो फिर देख सकते हैं मौके पर पीसीआरें खड़ी और घायलों को पीजीआई और चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। 5 लोग सवार थे जिसमें 2 युवतियां इस गाड़ी में सवार थी। बड़ी मुश्किल के साथ इन्हें इस गाड़ी से निकाला गया है। गाड़ी की हालत देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त था। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ के सेक्टर 50 से है, जहां युवक बाहर जाने की खुशी में पार्टी कर आ रहे थे, और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है देखिए खास रिपोर्ट। नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार। संजीव जी, ये जो कार हादसा हुआ क्या है, पूरा डिटेल क्या है इसकी? एक गाड़ी में 3 बच्चे, 5 लड़के और लड़कियां थे, 2 लड़की 3 लड़के, ठीक है। उनमें से एक लड़के को कनाडा जाना था, ठीक है, स्टूडेंट वीजा लगा था, ठीक है। तो उस खुशी में उन्होंने कोई पार्टी की होगी, नशे में थे वो। तो गाड़ी थी क्रूजर, सामने एक्सीडेंट है वहीं पड़ी है। उस पर गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, पहले पेड़ में लगी फिर पलट के दूसरे में लगी, तो टोटल डैमेज हो गई गाड़ी, गाड़ी खत्म है। बीच में बच्चे को कैसे? बीच में उनमें से एक लड़का तो बहुत सीरियस है, अच्छा, जो पीजीआई में है, बाकी लड़कियां हैं दो, उनके थोड़ी सी चोट लगी है, और जो 2 लड़के हैं उनको भी थोड़ी लगी है लेकिन वो ठीक है। आपकी पीसीआर कौन सी है? हमारी एम्बुलेंस 9। जैसे कि आप देख रहे हैं एम्बुलेंस 9 के इंचार्ज हमारे साथ है। तो पार्टी कर रहे थे जिसकी खुशी में पुलिस जो जानकारी हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी थी जब पेड़ से टकराई, उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं गाड़ी की और अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त था। 2 का इलाज पीजीआई हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है और 3 का चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपने इस पूरे मामले में पुलिस जो अधिकारी पीसीआर कर्मी है यहाँ पर पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना था हादसा चंडीगढ़ में? ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है देर रात की, सबसे बड़ा हादसा चंडीगढ़ के सेक्टर 50 से है, जहां पर 5 दोस्त पार्टी कर लौट रहे थे और उनकी गाड़ी जबरदस्त हादसे का शिकार हो गई। लेकिन हादसा देखते कितना जबरदस्त था, गाड़ी को लोहे की रोड से और शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। 5 लोग गंभीर जख्मी हैं, जिनको 3 लोगों को 32 हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और 2 को पीजीआई। तो इस पूरे मामले में जानकारी दी हमारे साथ जो पीसीआर इंचार्ज है, उन्होंने क्या कुछ कहा तस्वीरें आपके सामने दी। लेकिन हादसा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त हादसा था। ये लोग कहां से आए थे, कहां जाना था और कहां के रहने वाले हैं, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। अपने सहयोगी बबल वर्मा के साथ रमेश कुमार,